अब पहुंचना चाहता है, चाहे साबिस्ता प्रदेश रायबरेली तक पहुंचना चाहता है। मैंने कहा कि हम लोग के पास तो केवल शब्द हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि शब्द तो आज भीमसा की तरफ तकता है, शब्द तो आज भीमसा की तरफ तकता है। शब्द कांटा ही नहीं फूल भी बन सकता है, शब्द टपकाएगा अमृत, लबे गौतम तो हिले, रक्त फरमा हो मगर कोई कन्हैया तो मिले। मुंतजिर है किसी चिश्ती किसी नानक के लिए, शब्द हो जाएगा जिंदा कोई ईसा तो मिले। इसको वंशी में समो दो तो ये नगमा हो जाए, शब्द को कृष्ण जो मिल जाए तो ये गीता हो जाए। ये आइए मैं साबिस्ता ब्रजेश, ये साबिस्ता भी है ब्रजेश भी है, साबिस्ता भी है ब्रजेश भी है। कौमी यकजहती की अलामत, ये हिंदुस्तानी तहजीब तमद्दुन की अलामत जो मुश्तरका तहजीब है, कंपोजिस कल्चर है। 26 नवंबर 1949 को जो हमने भारत का संविधान 395 अनुच्छेद 9 अनुसूचियां 22 भाग के संविधान को जो हमने अंगीकृत किया, हमने कहा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाने हेतु, आइए उसी की प्रतीक उसी की अलामत उसी का सिंबल हमारे बीच सविस्ता ब्रजेश जी हैं। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें, सविस्ता ब्रजेश जी कौमी एकजुटी की अलामत है। माइक बात कौमी एकजुटी से शुरू किया, लेकिन सबसे पहले दिनेश भैया को धन्यवाद दूंगी, क्योंकि बहुत दिनों से मंचों पर आने की इच्छा करीब करीब खत्म हो गई थी, कुछ व्यस्तताएं थी और कुछ देश का माहौल ऐसा था कि मन नहीं करता था कि हम जाएं कहीं पर, लेकिन आज दिनेश भैया ने राजेश भैया ने मुझको मजबूर किया और जब मैं यहाँ आई तो मुझे लगा कि हमारे हमारा हिंदुस्तान हमारे देश की सभ्यता जिंदा है, इस गांव में जिंदा है। एक बार अपने सम्मान के लिए आप बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आकर, और शायद हम कभी आए थे यहाँ पहले, जहाँ तक याद आ रहा है कुछ निशानियाँ बता रही हैं कि शायद 10-12 साल पहले जो है हम विश्वनाथगंज तक आए थे। चार पंक्तियों से गंगा जमनी तहजीब की बात करती हूँ। एक दिन मेरे पति ने कहा कि शबिस्ता मैं तुमको दफनाऊं या जलाऊं, मैंने कहा यार टेक्निकल प्रॉब्लम है, अगर जलने की बात करती हूँ तो कहीं मायके वाले नाराज ना हो जाएं, और दफनाने की बात करूं तो कहीं ससुराल वाले ना नाराज हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि अपनी भी लाश न्यायालय में रखी रहे, आस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगते रहे। तो मैंने सोचा कि कौन सी ऐसी चीज है जो दो धर्मों को जोड़ सकती है, तब चार पंक्तियां निकली, सुनिएगा। मैंने ब्रजेश जी से कहा कि न तुम हिंदू मुझे लिखना न मुसलमान लिख देना, न तुम हिंदू मुझे लिखना न मुसलमान लिख देना, अगर लिखना जरूरी हो मुझे इंसान लिख देना, और न वेदों की ऋचाएं और न कुरान की आयत को कफन पर मीत मेरे, सिर्फ हिंदुस्तान लिख। वाह वाह वाह, देखिए इतनी तालियों से काम चलने वाला हमारा नहीं। हाँ, तालियां एक बार जोर से बजाइए जी, एक बार मुझको लगना चाहिए, पहले पंक्तियां सुनिए फिर कहते हैं। सविस्ता जी का मूड बन जाए, सुनिए। अभी औरंगजेब की बात की, यकीनन जो भी मुगलिया सल्तनत आई आक्रांता बनकर लुटेरे बनकर, हम उन सब का ऐसे मुस्लिम बीइंग ए मुस्लिम प्रतिकार करते हैं और चार पंक्तियां देते हैं और आपकी तालियां आमंत्रित करते हैं, सुनिएगा। कि कृष्ण मंदिर किनो सिरजना चाहिए, आसुरी वंश की वर्जना चाहिए, धीमी ताली तो बकरी की में लगे, और सिंह हो तो हमें गर्जना चाहिए, सिंह हो तो हमें गर्जना चाहिए। और आर्यन ने बहुत अच्छी कविता पढ़ी, और वो जो दुकान वाली बात कही, यकीनन आज का शेर तुम्हारा हासिले मुशायरा था। अनीता ने बहुत अच्छी रचना पढ़ी, और यकीन मानिए मैं काशी के इतिहास को पढ़ रही थी, लेकिन जब अनीता ने अंतिम पंक्तियां कहीं पढ़ी तो मैं शॉक्ड हो गई। एक पल में अनीता ने हमको ये कहकर पराया कर दिया कि जब हम देखते हैं कि नंदी किसी और तक रही है तो हर हिंदू नजर नहीं मिला पाता,
जबकि हकीकत यह है कि हर हिंदुस्तानी नजर नहीं मिला पाता, हम मुसलमान भी नजर नहीं मिला पाते बेटा। और सच कहूं आपसे तो जितना जगाने की जरूरत हिंदुओं को है उतनी ही आज मुसलमानों की भी है। बताना पड़ेगा कि जो कुछ हुआ वो नबी का दिन नहीं था, वो मोहम्मद का दिन नहीं था, वो हुसैन का दिन नहीं था, वो अली का दिन नहीं था, बल्कि जिसने किया वो शैतानों के इस्लाम का अनुसरण करते थे। मैं कहती हूं कोई कहे या ना कहे, इस्लाम में सदैव से दो विचारधाराएं चली हैं। एक विचारधारा जो आतंक के का पर्याय थी, 14 साल पहले जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी उसी समय इस्लाम गलत हाथों में अपहरित हो गया था, जिसका खमियाजा आज हमारे देश के अच्छे मुसलमान भुगत रहे हैं, चाहे वो हम हो चाहे आजमी साहब हो, एक अच्छी विचारधारा का समर्थन करने वाले। इसीलिए मैं अपने हिंदू भाइयों से भी अनुरोध करूंगी कि पहचाने कि ये लोग किस इस्लाम पर चल रहे हैं। कश्मीरी पंडितों को ले लीजिए, बहुत आसान है पहचानना आपको। कश्मीरी पंडितों का जिक्र कर दीजिए, जो मुसलमान बिना समय गवाए ये कह दे कि कश्मीरी पंडितों की घटना पर उसको शर्मिंदगी है और वो ऐसा करने वालों को शैतान समझ लेते हैं, समझ लेना ये नबी के दिन पर चल रहा है और नहीं तो शैतान के दिन पर चल रहा है। अगर किसी मुसलमान को गुलाल लगाना और वो मुस्कुराकर आपको भी गुलाल लगा दे तो समझ लेना कि वो हुसैन के दीन पर चल रहा है, और अगर वो आपसे लड़ने पर आमादा हो जाए तो समझ लेना शैतानों के दीन का अनुसरण कर। बहुत आसान है पहचानना, लेकिन जब आप सब मुसलमानों को एक तराजू में रखते हो तो आजमी साहब को भी अफसोस होता है, हमको भी अफसोस होता है बेटा। इसलिए आप अब ये कहिएगा कि हम सब शर्मिंदा है, और यकीन माने इस देश का आम मुसलमान ये चाहता है कि चाहे वो काशी का विश्वनाथ मंदिर हो, चाहे वो मथुरा का श्री कृष्ण भगवान का मंदिर हो, वो आपके लिए किसी काबे से कम नहीं है, और वहां की भूमि वहां का हक आपको मिलना चाहिए और हम आपके साथ खड़े हैं। बस एक बार जोरदार तालियां बजाते हैं, जोरदार तालियां साबिस्ता जी के लिए, जोरदार तालियां आपकी। एक लोगों ने हमसे कहा कि शबिस्ता जी भाजपा को वोट नहीं देते मुसलमान धर्म की वजह से। हमने कहा ऐसी कोई बात नहीं, अगर धर्म की बात होती तो वैसी साहब को कोई सीट मिल जानी चाहिए थी उत्तर प्रदेश में। लेकिन देखिए मुझे कहने में कोई गरज नहीं कि हमारे यहाँ अशिक्षा का माहौल है, तो हाई स्कूल तक हमारे भाई जो है कांग्रेस में बैठे रहे, हाई स्कूल के बाद इंटर में सपा में एडमिशन लिया, तो अब इंटर के बाद आप चाहते हो डायरेक्ट पीएचडी कर ले तो कैसे करेंगे, धीरे धीरे आएंगे भाई साहब। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। क्या बात, इशारे इशारे में सब बात कह रही हैं आप। हाँ नहीं, हम कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, राजनीति से हम बहुत दूर हैं, हम आपको बस सिर्फ ये चाहते हैं कि किसी के कहने में ना कर अपनी नजरिए से तौलिए कि हम वही हैं जो कभी रसखान थे, हम वही हैं जो कभी रहीम थे, हम वही हैं जो कभी कबीर थे। बस इसी भावना के साथ